Hi guys, this is Sahil Kumar and welcome back to my channel. This video is going to be all about suspenders. Suspenders क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनको कैसे पहना जाता है और पहनते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. YouTube पर suspenders के बारे में इतनी detailed video शायद ही होगी. So watch the video till the end. Okay, if you are new to the channel, hit the subscribe button, also press on the bell icon for my notifications. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि suspenders होते क्या है और उनका function क्या होता है. Suspenders are some fabric straps जो आप अपने shoulder के ऊपर से पहनते हो अपनी pant से attach करके, ताकि आपकी pant नीचे ना खिसके. आसान भाषा में ये एक belt की तरह काम करता है. Back in the time, लोग usually suspenders को suit के साथ पहनते थे, क्योंकि एक suit के साथ belt नहीं पहनी जाती. But in this modern era, लोग suspenders को ऐसे भी पहनना पसंद करते हैं. And suspenders is indeed a very nice accessory, क्योंकि अगर मुझे भी option दिया जाए कि एक belt या suspender में से मैं क्या choose करूँगा, तो I'd obviously go for suspenders. क्योंकि वो काफी ज़्यादा professional दिखते हैं, वो आपके shoulders को भी थोड़ा broad दिखाते हैं, and they make you look a little taller. और जबकि दूसरी तरफ एक belt आपकी appearance को दो parts में chop कर देती है, which is something I don't like. Anyway, if you are someone जो सोच रहे हैं कि मैं suspenders पहनूंगा, good, it is a nice shift. बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए when you are wearing one. और जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो है जब आप एक सस्पेंडर पहन रहे हो तो उसके साथ बेल्ट नहीं पहनो. होता क्या है, रेडीमेड ट्राउजर्स बेल्ट लूप्स के साथ आती है, which is not bad, आप सस्पेंडर्स इनके साथ भी पहन सकते हो. आई सी अ लॉट ऑफ गाइज ऑन इंस्टाग्राम, सम सो कॉल्ड फैशन इन्फ्लुएंसर्स डूइंग दिस मिस्टेक, ऑब्वियसली बिकॉज सस्पेंडर्स के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं होती. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप सस्पेंडर्स पहनो, यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक. रिमेंबर, सस्पेंडर्स का काम एक बेल्ट को रिप्लेस करना है, उसके साथ रहना नहीं. अब दूसरी चीज है कि आपको सस्पेंडर्स कैसे पहनने चाहिए, और ये चीज डिपेंड करती है कि आपके पास कौन से सस्पेंडर्स हैं. सस्पेंडर्स मेनली दो तरह के होते हैं, क्लिप ऑन्स एंड बटन सस्पेंडर्स. लेट्स से आपके पास क्लिप ऑन्स वाले सस्पेंडर्स है, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप उनको सिर्फ कैजुअल चीजों के साथ पहनो, जैसे कि एक डेनिम और समटाइम्स अ चीनो. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लिप ऑन वाले सस्पेंडर्स में बहुत ही शार्प पेन या बहुत ही शार्प मेटल पीस होता है, जो सिर्फ हैवी फैब्रिक्स के लिए होता है, लाइक डेनिम्स. और अगर आप उसको एक फॉर्मल पैंट के साथ पहनोगे तो वो उसको थोड़ा सा डैमेज करेगा. लेकिन तब क्या करें जब आप सस्पेंडर्स अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ पहनना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर बटन सस्पेंडर्स. लेकिन इसके लिए आपकी पैंट में थोड़े स्पेशल फीचर्स होने चाहिए. जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी ज्यादातर पैंट्स कस्टम मेड होती है, तो मैं अपनी वेट, लेट मी शो यू, यू कैन सी यहाँ बटन से वेस्ट पैंट के अंदर. तो मैं ये बटन हमेशा सिलवाता हूँ अपनी पैंट पे, ताकि मैं जब भी सस्पेंडर्स पहनना चाहूँ तो मैं पहन सकता हूँ. अब अगर दोनों सस्पेंडर्स को कंपेयर किया जाए, तो मैं कहूंगा कि बटन सस्पेंडर्स ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल दिखते हैं एंड दे लुक वेरी एलिगेंट. ओके, तो अब बात करेंगे कि आपके पास कौन से कलर्स के सस्पेंडर होने चाहिए. आइडियली यू शुड ट्राई मैचिंग योर पैंट्स विद योर सस्पेंडर्स, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, क्योंकि आप इतने सारे कलर्स के सस्पेंडर्स नहीं लोगे. सो स्टिक टू टू मेन कलर्स, ब्लैक एंड नेवी. ये दोनों कलर्स ऑलमोस्ट हर एक पैंट पर अच्छे लगेंगे. योर हाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप सस्पेंडर्स खरीदने जा रहे हो. 42 इंच सस्पेंडर्स यूजुअली फिट मेन अराउंड 5 टू 5.9 फुट, और अगर आप 6 फुट हो या आप उससे ज्यादा हो, तो आपको 54 इंचेस वाले सस्पेंडर्स लेने चाहिए. ऑलवेज गो फॉर द राइट साइज, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी पैंट या तो बिल्कुल नीचे जाती रहेगी या वो बहुत ऊपर आने लगेगी. दिस इज वेरी क्रूशियल. एंड नाउ द मेन क्वेश्चन कि हमें सस्पेंडर्स को पहनना कैसे चाहिए, और इसके लिए मैं आपको थोड़ी आउटफिट्स दिखाऊंगा और आप उन आउटफिट्स के साथ सस्पेंडर्स पहन सकते हो. एंड द फर्स्ट आउटफिट इज अ सूट. जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक सूट के साथ बेल्ट नहीं पहनी जाती, तो आप उसके साथ सस्पेंडर्स पहन सकते हो, वो आपको काफी क्लीन और सेक्सी लुक देगा. सेकंड आउटफिट इज अ शर्ट एंड पैंट. बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये, बस एक सूट जैकेट में से ही, और आप देख सकते हो कि ये भी काफी ज्यादा सेक्सी लगता है. नाउ द थर्ड आउटफिट इज अ शर्ट एंड अ जींस. यहाँ बटन सस्पेंडर्स की जगह क्लिप ऑन वाले सस्पेंडर्स पहने गए हैं, क्योंकि यहाँ बटन सस्पेंडर्स का कोई रोल ही नहीं है. आप देख सकते हो कि मैंने जो आउटफिट दिखाई वो थोड़ी सी फॉर्मल है, क्योंकि मेरे राय में सस्पेंडर्स सिर्फ फॉर्मल आउटफिट्स पर अच्छे लगते हैं, वो कैजुअल आउटफिट्स पर इतने अच्छे नहीं लगते. हालांकि ये कोई रोल नहीं है, आप कैजुअल आउटफिट्स पर भी सस्पेंडर्स पहन सकते हो. पहनने को तो आप कुछ भी पहन सकते हो, मैं कौन हूँ. बट इफ यू फॉलो दीज टिप्स जो आज मैंने आपको दी हैं, देन चांसेस आर कि आप ऐसे दिखोगे ऐसे नहीं. सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट ही मैंड अप फॉर सम आउटफिट इंस्पिरेशन. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल बी बैक विद अ न्यू वन. टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.